ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 3। दसवां टॉपिक है खुशी में लाना और हल्का करना। बाबा सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी ही बातें सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों न हो, चाहे कितनी ही उलझनों में पड़ा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी और चिंता भाग जाती, खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी आज तक बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखा नहीं देखी, अतः बाबा के आसपास वातावरण में सदा खुशी की लहरें अथवा खुशी की खुशबू फैली रहती। उस पवित्र खुशी के वातावरण में माया की बातें तथा सांसारिक उलझने भूल जाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक ही है। वह वातावरण ही ऐसा हुआ करता है कि शायद ही किसी के मन में अशुद्ध संकल्प उठते होंगे। बाबा कहते, बच्चे आप ही पवित्र रहने वाले सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण हो, राज ऋषि हो, राज योगी हो और ईश्वरीय कुल के हो। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुशी और उल्लास में लाते रहते और कहते, बच्चे माया के विघ्न बहुत आएंगे, तूफान बहुत आएंगे, परंतु घबराना मत और हिम्मत नहीं हारना। अब जबकि आपने शिव बाबा को हाथ दिया है तो आपका अकल्याण नहीं हो सकता। अब आपकी चढ़ती कला है, इसलिए सदा यह सोचते हुए चलते चलो कि सर्व समर्थ शिव बाबा हमारे साथ है। ऐसा निश्चय रखोगे तो निश्चय आत्मा की विजय होती है। आप विजयी रत्न हो। विजय का तिलक तो आपके माथे पर मानो लगा ही हुआ है। बस आप इतना करना कि घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना नहीं, बल्कि जो राह अब शिव बाबा दिखा रहे हैं उस पर चलते चलना। इस प्रकार बाबा विघ्नों को ऊंची मंजिल के नजदीक पहुंचने का चिन्ह बताकर सदा यही कहते कि बच्चे ये सब अंतिम सलाम करने आए हैं, बस ईश्वर के सदके इनको पार करो तो आपके कदम कदम में पद्मा पद्म की कमाई होगी। इन युक्तियों से बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते हुए उनमें नया दम नया जोश भरते हुए उन्हें ऐसे तो ले चलते रहते कि मनुष्य को अपने सब संकल्प भूल जाते, समस्याएं हल्की मालूम होती और मनोविकार उनसे सहज ही छूट जाते। बाबा की जितनी भी युक्तियों का वर्णन करे वह थोड़ा है। ऐसे अन्य अनेका अनेक विधि विधानों से, प्यार दुलार की बातों से
हर्ष उल्लास की दिनचर्या से, स्नेह सौहार्द से, ज्ञान विज्ञान की वर्षा से, उच्च आचार विचार के दिग्दर्शन से, बाबा कितनी ऊंची मंजिल पर, कितनी सहज रीति से सबको सफलता पूर्वक ले आते रहे। यह अद्भुत, अलौकिक, अनुभव पूर्ण और उल्लासप्रद कहानी है, जिसका यहाँ कुछ अंश ही हमने ऊपर की पंक्तियों में दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, पिताश्री निद्राजीत थे, दीदी मनमोहिनी जी माउंट आबू। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने इस विद्यालय के प्रारंभ से ही अपना जीवन पिताश्री जी के साथ व्यतीत किया। ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी अपने अनुभव के आधार पर लिखती है। पहला पॉइंट है, पिताश्री निद्राजीत। कहावत है कि सच्चा योगी वह है जो निद्राजीत हो। उनके व्यस्त जीवन में मैंने सदा उनको निद्राजीत स्थिति में देखा। पिताश्री शत शत विश्व कल्याण की सेवा में लगे रहते थे। वैसे तो हम सभी की प्रतिदिन की दिनचर्या ऐसी है जो दिन में 2 से 4 विश्राम का समय है, परंतु पिताश्री जी केवल 1 घंटा विश्राम के लिए जाया करते थे। उसमें से भी बहुत कम समय आराम करते थे। उदाहरण के तौर पर, जब भाई बहने यहाँ मुख्यालय से प्रस्थान करते समय पिताश्री जी से छुट्टी लेकर आते थे, तो मैं हमेशा पिताश्री जी को यही कहती कि अब विश्राम से पहले उन्हें छुट्टी दे। लेकिन नहीं, उनका कहना था कि वह अपने बच्चों को उसी समय छुट्टी देंगे जब उनके जाने का समय होगा, चाहे वह विश्राम का समय क्यों न हो। यह सदा हरेक बच्चे की सेवा के लिए सदा तैयार रहते थे। बाबा की निद्राजित स्थिति व सर्व आत्माओं के स्नेह का ज्वलंत उदाहरण यह है कि वे हमेशा कहा करते थे कि बच्ची, चाहे मैं सोया हूँ, परंतु अगर कोई बच्चा मुझसे मिलने आए तो मुझे तुरंत जगाना। ऐसा न हो कि कोई बच्चा बाबा से मिलने से वंचित रह जाए। उनका सदा यही उद्देश्य रहता था कि मानव हृदय की गहराइयों को जागृत करे। हर एक बच्चा हीनता और छोटेपन के विचारों से ऊपर उठ प्रगति की मंजिल की ओर बढ़े। मैंने देखा कि पिताश्री के व्यवहार को देख हर एक बच्चा अपने सच्चे परम पिता शिव परमात्मा से अपना अटूट संबंध जोड़ता था। मैंने देखा कि जब कभी कोई ऐसा थका हुआ व्यक्ति उनके पास आता तो वह उनकी परेशानी को 1 सेकंड में समाप्त कर देते थे। वह हमेशा कहा करते थे कि
कि परेशान क्यों होते हैं जब अपनी वास्तविक शान अर्थात हम किसकी संतान है उसको भूल जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो हमेशा कहते थे कि जब आप देह से न्यारे रहेंगे तो थकावट नहीं होगी। सदा अपने को आत्मा समझ उस पिता परमात्मा की स्मृति की शान में रहेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। मैंने देखा कि पिताश्री जी सदा इसी खुदाई नशे में रहते थे। सर्व प्रकार के कार्य करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहते थे। यही थी उनकी महानता। पिताश्री जी के जीवन को देखकर अनेकों ने प्रेरणा ली। हर समय हम बच्चों को भी शिक्षा देते हुए वे सदा न्यारे और प्यारे रहते थे। मेरा वह प्रैक्टिकल अनुभव है कि पिताश्री जी सदा एक बल एक भरोसा रहते थे। सदा एक बल एक भरोसा रहने से सफलता ही सफलता है। हम बच्चों के गुणों को देखकर सदा हम सभी को आगे बढ़ाते थे। पिताश्री हमेशा कहते थे कि आपके भीतर जो गुण है वह एक मूल्यवान पूंजी है। यह सभी पूंजियों से अधिक मूल्यवान है। गुणों का उपयोग ही महान उपयोग है। जबकि आपके गुण रूपी इतना खजाना है तो उसका क्यों नहीं सदुपयोग करते हो। आप उस पिता शिव बाबा के बच्चे हो जो कि सर्व खजानों का दाता है। बाबा अपने अंतिम वर्ष में जबकि वे अपनी कर्मातीत अवस्था के बहुत नजदीक थे, बहुत ही उपराम रहने लगे थे। हमने देखा बाबा बहुत अधिक समय एकांत मग्न अवस्था का अभ्यास करते थे। कोई भी बात उनके मन को विचलित नहीं करती थी। योग अभ्यास के द्वारा बाबा का शरीर भी सूक्ष्म हो गया था। वे इस धरती पर फरिश्ते नजर आने लगे थे। उनका अंग अंग शीतल रूप में देखा। अंग अंग शीतल होना संपूर्णता की निशानी है। यह उनके जीवन से प्रत्यक्ष हो गया था। मन की संपूर्ण शीतलता और संपूर्ण योग की स्थिति पर जा चुके थे, ऐसा मुझे आभास होता था। जब भी मैं बाबा के सम्मुख जाती थी तो मैं स्वयं भी अशरीरी हो जाती थी। जब भी मैं उन्हें देखती थी ऐसा लगता था कि वे यहाँ नहीं है। उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारी वाले जीवन में करके दिखाया जो अनुकरणीय है। अगला टॉपिक है एक बार की बात है। दीदी मनमोहिनी जी मधुबन। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने प्रतिदिन ज्ञान मुरली द्वारा तो बहुत सी अनमोल शिक्षाएं दी है, परंतु उनके अतिरिक्त बाबा से जब किसी का व्यक्तिगत रूप से मिलना होता था तो भी बाबा से बहुत से अनमोल ज्ञान रत्न मिलते थे। समय समय पर व्यक्तिगत रूप से बाबा ने
जिसके प्रति जो वचन कहे, यदि उनका संग्रह किया जाए तो एक बहुत ही बड़ा खजाना इकट्ठा हो जाएगा। बाबा का तो हर कदम भी ज्ञान युक्त था और उनके मुखमंडल पर जो भी भाव रेखाएं उभरती थी वो भी कोई संदेश, कोई आदेश, कोई निर्देश अथवा प्यार व उल्लास देने वाली होती थी। कितनी ही आत्माओं ने उनके मुख नयनों द्वारा अपार पैतृक स्नेह को पाया था और कितने ही मन उनके चितवन पर मधुर मुस्कान, जो कार्य कलाप चल रहा था वह सारा ही मनुष्यात्माओं के कल्याण और उत्थान ही के निमित्त था। उसमें से कुछ बिखरे मोती हमें उन बहनों व भाइयों के अनुभव में मिलते हैं जो बाबा के संपर्क में आते थे। यहाँ हम कुछ थोड़ी ही बहनों के जीवन में आए ऐसे थोड़े से प्रसंगों का उल्लेख कर रहे हैं। पहला टॉपिक है उचित सम्मान और स्नेह देकर ही ज्ञान देना चाहिए। एक बार की बात है कि मधुबन में तन पर भगवे कपड़े धारण किए एक सन्यासी जी आए थे। उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि उन्हें बाबा से मिलाया जाए। जैसे कि नियम निर्धारित था, उनसे एक परिचय पत्र भरवाया गया। इस फॉर्म में तो इस प्रश्न का भी उत्तर देना होता है कि मिलने वाले का उद्देश्य क्या है। अब बहुत समय हो गया है इसलिए यह याद नहीं आता कि सन्यासी जी ने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में क्या लिखा था, परंतु जब बाबा के पास हम उसका परिचय पत्र ले गए तो बाबा ने हमें मिलने के लिए स्वीकृति दे दी। अतः हॉल में जहाँ बाबा ने उनसे मिलने आना था वहाँ उन सन्यासी महोदय को बिठा दिया गया। सन्यासी जी दरी पर बैठे थे और उनके सामने ही दरी पर बाबा के लिए एक गद्दी रखी थी। जब बाबा उस स्थान पर आए तो सन्यासी जी शिष्टाचार के नाते उठ खड़े हुए। बाबा ने उन्हें गद्दी पर बैठने के लिए कहा और स्वयं नीचे बैठने लगे। सन्यासी जी संकोच करते हुए व मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं, यहाँ तो आप ही बैठिए, मैं दरी पर बैठूंगा। बाबा बोले, नहीं बच्चे, सन्यासियों ने भारत देश की बहुत सेवा की है क्योंकि वे शताब्दियों से पवित्र रहते आए हैं। यदि ये पवित्र न रहते तो आज तक भारत एक गरम तवे की तरह होता अथवा कामाग्नि में जल मरा होता। इस प्रकार अपनी महिमा सुनकर वह और भी खुश हुआ। खैर, सन्यासी जी गद्दी पर तो बैठे नहीं, बाबा भी गद्दी पर नहीं बैठे बल्कि दरी पर ही बैठ गए। जब बाबा ने उन्हें ज्ञान समझाना शुरू किया जिसमें बाबा ने उन्हें यह भी बताया कि सन्यासियों ने शिवो हम इस मान्यता से मनुष्य आत्माओं को शिव परमात्मा से विमुख किया है, देखा गया
कि सन्यासी जी यह बात सुनकर नाराज नहीं हो रहे थे। लगता था कि उनके मन में यह भाव बैठ गया है कि हमारे मत में जो सिद्धांत अथवा आचरण अच्छा है उसे ये अच्छा भी कह रहे हैं, और जो इन्हें गलत लगता है इसे तर्क संगत रीति से गलत भी बता रहे हैं। इसलिए बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं कह रहे। अतः उन्होंने सब बातों को ध्यान से सुना और जाते समय बाबा से प्रसाद लेकर बहुत खुश होकर गए। इससे हमने यह समझा कि मनुष्य को उचित सम्मान देकर और स्नेह से ही ज्ञान देना चाहिए। दूसरा टॉपिक है कर्तव्य निभाने में सूक्ष्म बातों का ध्यान। बाबा ने कुछ समय के लिए मुझे मधुबन में वहां के यज्ञ वत्सों को वस्त्र देने के कार्य का इंचार्ज बनाया था। यो तो अपनी समझ के अनुसार मैं कार्य कर रही थी, परंतु एक बार की बात है कि जब मैं बाबा के पास अपने कार्य के संबंध में कुछ परामर्श करने के लिए बैठी थी, तब बाबा ने मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी। बाबा ने कहा, बच्ची, आपको यह तो अधिकार दे ही दिया है कि सभी यज्ञ वत्सों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें वस्त्र दे दिया करो, परंतु इतना ही नहीं, देने का तरीका भी ज्ञानयुक्त स्नेहपूर्वक और ऐसा हो कि सब सदा राजी रहे। देखो, सभी वत्सों को मालूम है कि यह शिव भोले का भंडारा है, अतः यह याद रखो कि इससे किसी को भी तंगी न हो बल्कि सब खुश हो। यह याद रख लो कि अगर कोई वत्स आपसे कोई चीज मांगता है तो उसके मांगने का अर्थ यह हुआ कि आप उसे देना भूल गई थी। यह बात तो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सर्व त्यागी वत्स है, अतः मुझे इनकी सब मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण करनी है। इन्हें समय पर यदि आवश्यक चीजें न मिले तो हो सकता है कि इनमें से कोई वत्स जिनकी ज्ञान की अवस्था अभी परिपक्व नहीं है उसे यह याद आ जाए कि जब हम अपने लौकिक घर में थे तब हमारी परवरिश अच्छी होती थी, हमें मांगना नहीं पड़ता था। वहां तो हमें अपने आप ही कपड़े पहना दिए जाते थे। यदि आप उनके मन में इस संकल्प के उत्पन्न होने के निमित्त बनेंगी तो उनकी अवस्था में अंतर लाने का बोझ आप पर ही चढ़ेगा। गोया, इससे तो आपकी हानि ही हुई, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। दूसरी बात यह कि आपको यह तो अधिकार दे ही दिया है कि सब बच्चों को वस्त्र दो, परंतु फिर भी देने से पहले बाबा से थोड़ा सा पूछ लिया करो, क्योंकि बाबा सबकी नब्स को जानता है। तीसरा टॉपिक है भूल के प्रति अलबेले।
हम प्रायः समझते थे कि हम अभी पुरुषार्थी हैं, हम तो संपूर्ण बने नहीं हैं। पुरुषार्थियों से कोई भूल हो जाना तो स्वाभाविक ही है, परंतु एक बार एक घटना ऐसी घटी कि जिससे बाबा ने हमारी इस कमजोरी लाने वाली मान्यता में संशोधन करके हमें सतर्क किया। घटना यह थी कि एक पार्टी मधुबन से विदा होकर अपने नगर को लौट रही थी। उनके द्वारा मुझे किन्हीं भाई बहनों के लिए यज्ञ प्रसाद भेजना था, परंतु मैं भूल गई। मैंने बाबा को जाकर बताया कि बाबा, मुझसे यह भूल हो गई है। बाबा ने कहा, बच्ची, यह तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर तुम यज्ञ प्रसाद भेजती तो वे बहुत खुश होते और उन्हें शिव बाबा की याद आती। सिर्फ एक आत्मा को नहीं, अनेक आत्माओं को खुशी होती। वे इस निमित्त ईश्वरीय स्मृति में रहते। फिर बाबा ने मुझे समझाया कि भूल केवल इतनी नहीं जो आप कह रही हो, बल्कि इसकी बुनियाद तो यह है कि आपने योगयुक्त होकर कार्य नहीं किया, वरना भूल होती ही नहीं। और यह जो दूसरी भूल है, यह तो और ही बड़ी है। उस दिन से लेकर अब मैं किसी को बहुत ही हल्के रूप में यह नहीं कहती हूँ कि मैं भूल गई, बल्कि इसे बड़ी भूल समझकर आगे बढ़ने के पुरुषार्थ में रहती हूँ। अगला टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ ऋषि जिन्हें हमें फॉलो करना है। दीदी मनमोहिनी जी, मधुबन। संसार में रहते हुए भी जो संसार के प्रभाव से निर्लिप्त थे, ऐसे कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ ऋषि ब्रह्मा बाबा की आरंभ से ही मुझे निकटता प्राप्त हुई। जब मैं प्रथम दिन हैदराबाद में उनके निवास पर चल रहे उनके सत्संग में गई, तो जाते ही मैंने उनके मस्तक पर प्रकाश का चक्र देखा, और इस चक्र ने ही मुझे सर्व सांसारिक चक्करों से मुक्त करके होवनहार चक्रवर्ती महाराजा बनने की ओर प्रेरित कर दिया। मैं देह के भान से इतनी दूर चली गई कि मुझे सत्संग का जरा भी आभास नहीं रहा। मेरे प्रारंभ से ही जीवन एक बल एक भरोसे चला। मैंने बाबा के हर चरित्र व अखंड तपस्या को बहुत ही समीपता से देखा। हर मनुष्य समझ सकता है कि सृष्टि के प्रथम नंबर की आत्मा सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली व सबसे अधिक पावन रही होगी। ब्रह्मा बाबा वो आत्मा थी जिसने शिव बाबा के हर बोल से अपने जीवन को रंग डाला था। 1968 का वर्ष याद आता है, और उसमें बाबा का वो तपस्वी रूप नहीं भूलता।
जो आज भी बार बार मुझे प्रेरित करता है। जब बाबा ने खेलना भी बंद कर दिया था और बाबा अधिक समय झोपड़ी में एकांत में गहन मग्न स्थिति रूपी गुफा में लीन रहते थे, इस अंतिम वर्ष में बाबा निरंतर योग की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गए थे। पहला टॉपिक है प्रत्यक्ष साक्षात्कार। संदेशवाहक बहने बहुत समय से अव्यक्त वतन में जाकर संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार करती थी, परंतु अंतिम दिनों में बाबा यही पर फरिश्ते नजर आने लगे थे। सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार व प्रत्यक्ष ब्रह्मा बाबा में कोई अंतर नहीं लग रहा था। दूर से देखने पर पता लगता था कि बाबा के पग धरती पर नहीं है, क्योंकि सचमुच ही बाबा धरती के आकर्षण से दूर वतन में रहने लगे थे। यह थे दधीची ऋषि की अंतिम स्थिति, जिसने अपनी हड्डियों को पूर्णतया यज्ञ में स्वाहा करके फरिश्ता स्वरूप प्राप्त किया था। दूसरा टॉपिक है मैंपन का संपूर्ण त्याग। ये महान तपस्वी मैंपन के संपूर्ण त्याग के कारण नंबर वन को प्राप्त हुआ। त्याग तो अनेक वत्सों ने किया, परंतु वर्णन तो दूर, बाबा को तो अपने त्याग का एहसास भी नहीं था। बाबा कहा करते थे कि मुझे तो कौड़ियों के बदले स्वर्ग की बादशाही मिल गई। रूहानी आकर्षण से संपन्न वे किसी को अपनी ओर आकर्षित भी नहीं होने देते थे। वे कहा करते थे कि देहधारी को याद करोगे तो पाप के भागी होगे। बाबा अपना स्वरूप इतना साधारण रखते थे जो कोई समझ भी न पाए कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है। परंतु उनकी शालीनता व महानता प्रत्यक्ष उनके होवनहार विश्व महाराजन की परछाई फेंकती थी। मान शान की बात तो उनसे कोसों दूर थी। बाबा अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे। कई बार हम बाबा को कहते थे कि बाबा, इस टूटे फूटे मकान को छोड़कर आप नए मकान में रहो, तो बाबा कहते थे, बच्ची, शिव बाबा पुराने तन में पुरानी दुनिया में आया है, तो बाबा तो पुराने मकान में ही रहेंगे। नए मकान नए बच्चों के लिए है। ऐसा त्याग और कोई नहीं हो सकता। एक बार किसी ने एक नई दरी भेजी। हमने बाबा से कहा, बाबा, झोपड़ी से पुरानी दरी हटाकर नई दरी डाल दे। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, नई दरी बच्चों के काम आएगी। कई बहनें बाबा के लिए नए स्वेटर व वस्त्र लाती थी। बाबा उन्हें संतुष्ट करने के लिए पहन लेते थे और अगले ही दिन बच्चों को दे देते थे। और बच्चे वे वस्त्र लेकर रात दिन शिव बाबा को
याद करते रहते थे। एक बार एक गरीब व्यक्ति बाबा को मिलने आया। उसकी धोती फटी हुई थी। बाबा ने फौरन अपनी धोती उसे दे दी। लो बच्चे, ये बांधो। उसके नयन भर आए और वह बाबा से लिपट गया। ऐसा अनुपम प्यार था बाबा को अपने बच्चों से। जब कोई बच्चा बाबा का फोटो लेने के लिए कहता था तो बाबा कभी रुचि नहीं लेते थे। बाबा कहते थे, यह भक्त है जिसका तुम फोटो लेना चाहते हो, उसका फोटो तो आता ही नहीं, मेरा फोटो लेकर तुम क्या करोगे। बाबा ने कभी किसी को अपने पैर नहीं छूने दिए। ऐसे महान थे अपने बाबा, जिन्होंने स्वयं को पूर्णतया गुप्त रखा। इस मैपन के त्याग के कारण ही बाबा सदा निश्चिंत व अडोल थे। यज्ञ रूपी जहाज को इस विषय सागर में कितने तूफान लगे होंगे, कितनी निराशा की घड़ियां आई होंगी, परंतु बाबा के चेहरे पर कभी चिंता की रेखाएं नहीं देखी गई। बाबा कहा करते थे, बच्ची, जिसके ये सब बच्चे हैं उसे ही चिंता है। बाबा अपने बच्चों को भूखा थोड़ी रखेगा। यह थी बाबा की संपूर्ण समर्पणता, जो अनुकरणीय है। वास्तव में ब्रह्मा बाबा ने ही शिव बाबा को पूर्ण रूपेण जाना था। यही कारण था कि इतने बड़े यज्ञ की, अनेक यज्ञ वत्सों की जिम्मेदारी संभालते हुए भी बाबा सबसे पहले कर्मातीत बन गए। तीसरा टॉपिक है ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ योगी। हमने देखा कि बाबा बात करते करते बीच में ही गुम हो जाते थे, अर्थात अशरीरी हो जाते थे, जैसे कि बातें सुनते हुए भी निर्लिप्त रहते थे। न तो बाबा विस्तार से सेवा समाचार सुनते थे और न ही विस्तार से उत्तर देते थे। जब मैं यज्ञ का चक्कर लगाने बाबा के साथ जाती थी तो बीच बीच में बाबा को याद की मस्ती में पाती थी। वाणी में आते भी बाबा वाणी से परे रहते थे और अपने दो महावाक्यों से ही हमें भी वाणी से परे उड़ा ले जाते थे। कभी कभी मैं कुछ बात भी करती थी तो जैसे कि बाबा यहाँ है ही नहीं। फिर बाबा कहते थे, हाँ क्या कहा बच्ची। अंतिम दिनों में मैं जब भी बाबा के पास जाती थी, कमरे में सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता था और मैं स्वयं भी अशरीरी हो जाती थी। कितनी ही देर तक तो बाबा से दृष्टि ही लेती रहती थी और यह भी भूल जाती थी कि मैं किस काम से आई थी। जब मैं बाबा को भोजन खिलाती थी तो बाबा एकदम योग युक्त धीरे धीरे भोजन ग्रहण करते थे और बार बार मुझे याद दिलाते थे कि बच्ची, तो किसे भोजन खिला रही हो। बाबा मुझे कहते थे कि दीदी, तुम पूछती रहो कि बाबा, शिव बाबा याद हैं। इतने निरहंकारी थे बाबा। कभी कभी जब बाबा स्नान करते थे
और कहीं से फोन आ जाता था तो मैं जाती थी कि बाबा फोन आया है, तो बाबा हंसी में कहते थे कि कह दो, मैं तो शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार हर कर्म में बाबा ने योग को मनोरंजन का साधन बना लिया था। बाबा का हर कर्म योग युक्त था। पत्र लिखते, सुनते, बच्चों से मिलते हुए बाबा शिव बाबा के साथ रहते थे, यहाँ तक कि खेलते हुए तथा पिकनिक करते हुए भी बाबा उसी अलौकिक मस्ती में रहते थे। पिकनिक करते भी बाबा सभी को याद में रहने का इशारा देते रहते थे। बाबा कहते थे, नहीं तो शिव बाबा कहेंगे कि बच्चे खेल पाल में इतने मस्त हो गए जो बाप को भी भूल गए। चौथा टॉपिक है अंतिम दिनों में। बाबा के जीवन में शिव बाबा पूर्णतया समा चुका था। बाबा का खान पान बहुत हल्का था और नींद तो पूर्णतया सत्वप्रधान थी। जब भी मैं बाबा के पास जाती थी, सदा बाबा को जागती जोती ही पाती थी और बाबा सदा कहते थे, आओ बच्ची। अंतिम समय में बाबा का शरीर भी पूर्णतया हल्का महसूस होता था। योगियों में अंग अंग शीतल, यह बाबा से स्पष्ट प्रतिभासित होता था। शुरू में मैंने बाबा के मस्तक पर प्रकाश चक्र देखा था और अंत में उनका सारा शरीर प्रकाशमय दिखाई देता था। पांचवा टॉपिक है एक आकर्षक दृश्य। अंतिम दिनों में बाबा प्रातः 2:30 बजे उठ जाते थे और इस दुनिया से दूर चले जाते थे। फिर क्लास में 1 घंटा योग कराते थे। बाबा तो पूर्णतया लाइट हाउस नजर आते थे, मानो इस महान भूमि से संपूर्ण जगत को शक्तियों का दान दे रहे हो। फिर बाबा बाहर आंगन में खड़े हो जाते थे और सामने सभी यज्ञवत्स खड़े रहते थे। बाबा एक एक रूह को बल देते थे। यह दृश्य अति मनमोहक हो जाता था। ऐसा लगता था कि ज्ञान सूर्य व चंद्रमा चेतन सितारों को प्रकाशित कर रहे हो। सभी देह व समय की सुध बुध भूल कर चकोर की तरह खड़े रहते थे। फिर कभी कभी बाबा महावाक्य भी बोलते थे, बच्चे निराकारी स्थिति में हो या आकारी स्थिति में। छठा टॉपिक है नारायणी नशे में बाबा। बाबा की ईश्वरीय मस्ती चेहरे से झलकती थी। कभी कभी बाबा अपने भविष्य की याद में वर्तमान को पूर्णतया भूल जाते थे। बाबा भविष्य के विचारों में खोए बैठे रहते थे। फिर जब गद्दी से उठते थे तो सामने शीशे में देखकर कहते थे, दीदी मैं तो छोटा कृष्ण हूँ। ये क्या,
ये तो मेरा बूढ़ा शरीर है। नहीं नहीं, मैं तो छोटा सा कृष्ण हूँ। हम सब यह दृश्य देखकर हंसने लगते थे। उस बाबा के चेहरे पर भी कृष्ण जैसे बचपन के चिन्ह नजर आते थे। अंतिम दिनों में ऐसा लगता था जैसे कि बाबा सदा ही शिव बाबा से बातें करते रहते थे। सदा मग्न देखने में आते थे बाबा। बाबा के आसपास सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता था। जिस पर भी बाबा की दृष्टि पड़ जाती थी वह तुरंत ही शरीर से न्यारा हो जाता था। बाबा के सामने आते ही किसी को भी ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती थी और स्वतः ही सर्व समस्याओं का समाधान मिल जाता था। यही थी बाबा की अंतिम तपस्या जिससे बाबा संपूर्ण फरिश्ते बने। हम भी बाबा जैसी अधिक मेहनत, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण निर्माणता और समर्पणता को धारण करके ही उन जैसा फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा मुझे कहा करते थे, बच्ची, बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, परंतु जो बच्चे स्वयं को निमित्त समझकर शिव बाबा पर जिम्मेदारी रखकर पुरुषार्थ करते हैं वे सफल होते हैं। जब अव्यक्त बाप दादा ने हमें निमित्त बनाया तो वरदान दिया था, बच्ची, जैसे तुम साकार में अंगुली पकड़कर बाबा को बच्चों से मिलाने ले जाती थी, वैसे अब बाबा को अंगुली पकड़कर साथ ले जाना। यह वरदान मेरे साथ है और मैं सदा बाबा को अपने साथ ही पाती हूँ। जब मैं सवेरे उठती हूँ तो बाबा के इशारे मिलते हैं और बाबा के फरमान भी मिलते हैं और मैं पूर्णतया लवलीन हो जाती हूँ। अच्छा, ओम शांति।